इन इंडिया प्रधानमंत्री द्वारा ये ट्वीट इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। करीब देखिए 26 सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स पहले प्रधानमंत्री द्वारा स्वागतम कहते हुए रफाल का वेलकम किया है, स्वागत किया है, फ्रेंच में कहें तो बियनवेनू, और तस्वीरें भी लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। नारोटका सर, बात पूरी करें सर। नानोटकर सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक, तो बात पूरी करें। हाँ, सर हाँ हाँ देखो मैं ये कह रहा था कि जो एयर पावर या एरोस्पेस पावर आजकल कहा जाता है उसकी कोई बराबरी नहीं है और किसी चीज के साथ, क्योंकि ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज का जो फाइटिंग कैपेबिलिटी होता है उसी से अभी अगले आगे के वॉरफेयर में डिसाइड होगा कि हम कितना दूर अपने आप अपने सीमा में रहते हुए कितने दूर तक मार कर बमबारी कर सकते हैं या कितने दूर तक एयर टू एयर कॉम्बैट में सक्षम हो सकते हैं। और उससे क्या होगा कि जो थल सेना है या नौसेना है उनको राहत मिलेगी कि अपनी जो कार्रवाई है वो अच्छे से करें। तो एक वायुसेना का स्ट्रांग होना एक बहुत बड़ा डिटरेंस होता है एनिमी के लिए, तो उसके हिसाब से ये रफाल का इंडक्शन महत्व रखता है, क्योंकि रफाल के मुकाबले का जहाज एशियन कॉन्टिनेंट में किसी के पास भी नहीं है। और अभी जो जिक्र हो रहे थे जिस जहाज के हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के पास है उसके साथ तुलना में जो रफाल उभर के आएगा उसी की वजह से ये जो आप ट्वीट्स पढ़ रहे हैं रक्षा मंत्री की हो या बाकी मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की हो वो भी इतने उत्साहित हो गए हैं कि इस तरह का मशीन जो इंडियन एयरफोर्स ने कई साल पहले सिलेक्ट किया था एक डीप सिलेक्शन के तौर पे 6-6 जहाज में से एक जहाज ये उभर के आया था और वो आज अपने इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया है। उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का भी रोल काफी अहम है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये कहा जा रहा है स्वागतम रफाल इन इंडिया। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ट्वीट किया गया थोड़ी देर पहले का ये ट्वीट, और ये मशीन इसे ब्यूटी एंड द बीस्ट भी कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। रफाल की गर्जना आपने सुनी, उसकी दहाड़ आपने सुनी, साथ ही किस तरह से ट्रेडिशन और सेरिमोनियल वेलकम दिया गया इन पांचों रफाल एयरक्राफ्ट को, वो भी हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले गृह मंत्री का ट्वीट हमने आपको दिखाया और अब लगातार आप अपने स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, संस्कृत में ये ट्वीट प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है स्वागतम रफाल इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी भी ये कह रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप का ये जो डील रही जिस पर काफी सियासत भी हुई रफाल को लेकर, एक तरीके का सियासी हथियार बना लिया था विपक्ष ने, काफी सियासत भी हुई लेकिन आखिरकार सियासत हार गई और रफाल हिंदुस्तान में इस वक्त टच डाउन कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। नानोटका सर, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम जी न्यूज पर खबर हमारे दर्शकों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी समझ के लिए चलाते हैं, तो हमने लगातार तमाम जगह वो पढ़ रहे होंगे, कुछ बातें वो लगातार पढ़ रहे होंगे, मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए कि जब रफाल के लिए कहा जाता है कि ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या फाइटर है, और दूसरा जब उसके लिए कहा जाता है ओमनी रोल, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखो मल्टी रोल का मतलब है जो हमने जब चुनौती के लिए रखा था तो हमने मल्टी रोल मीडियम वेट फाइटर के तौर पे उसको चुना था, लेकिन मल्टी रोल का मतलब होता है कि एयर टू एयर एयर टू ग्राउंड रोल में वो साथ साथ कर सकता है, यानी एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगाते हैं इस जहाज में और साथ में एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स या बॉम्ब भी कैरी कर सकते हैं। और अगर इसने उड़ान भरी है तो ये एयर डिफेंस और ग्राउंड अटैक ये दोनों रोल कर सकता है, ये मल्टी रोल का कैपेबिलिटी है। लेकिन फ्रांस कहता है, फ्रेंच एयरफोर्स इसको ओमनी रोल एयरक्राफ्ट बोलती है, और दासो जो उसका मैन्युफैक्चरर है इस जहाज का, दासो एविएशन, जो वो कहते हैं कि नहीं ये मल्टी रोल नहीं है, ये ओमनी रोल है। तो ओमनी रोल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दोनों तरह के हथियार लेके उड़ने की क्षमता है तो साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ जब मैं एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ कॉकपिट में, तो उसको प्रोग्राम करके मैं साथ ही साथ एयर टू एयर कॉम्बैट में भी हिस्सा ले सकता हूँ और
वो जो एयर टू ग्राउंड जो वेपनरी का जो तैयारी किया हुआ है कॉकपिट में वो भी चलता रहेगा, और अगर उनके दोनों के बीच में मेरे को मुझे एज अ पायलट स्विच करना है उन रोल को चेक करने के लिए, तो साइमल्टेनियसली मैं उसका इंडिकेशन मेरे को मुझे कॉकपिट में मिल जाएगा। तो ये क्षमता और किसी जहाज में अभी तक देखी नहीं गई थी। हम अपने दर्शकों से ये भी कह रहे हैं, जी न्यूज जिस तरह से रफाल की सिर्फ तस्वीरें नहीं दिखा रहा, इस खबर को जिस तरह से बारीकी से विश्लेषण के साथ अपने करोड़ों दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, इसीलिए हमारी कोशिश की रफाल ये जो ब्यूटी एंड द बीस्ट या फिर इस मशीन को आप क्लोजली समझिए। नानोट का सर मैं फ्लोर आपको वापस दूंगी, एक छोटे से ब्रेक की यहाँ पर मेरे लिए मजबूरी है, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप रहिए जी न्यूज के साथ।